Alaikum students, welcome to International Relations Theory and Practice. Today is the 19th lecture. In this lecture, we are going to now assess the movement that we had been talking about in the previous two lectures. Uh, we have now sufficient information uh, in our heads to uh, have an informed uh, opinion regarding. म वी नो हाउ इम्पॉर्टेंट द मूवमेंट ऑफ नैम वॉज एंड पर्टिकुलरली हाउ इम्पॉर्टेंट द मूवमेंट ऑफ नैम वॉज फॉर डेवेलपिंग कंट्रीज सो हमने जो उसकी तारीख को देखा उसके ऑरिजिन को देखा देखा कि नैम ने किया क्या उसके ऑब्जेक्टिवस क्या थे तो अब हम ऐसी सिचुएशन हमारी uh, जहनी uh, हमारी ग्रिफ्ट जो है वो इतनी पक्की हो गई है कि नाओ वी कैन ट्राईन सी कि जी बैन अवी सतह पर नैम की जो मूवमेंट थी वो उसने क्या अचीव किया बट इन ऑर्डर टू डू वट वी आर डूइंग टूडे इट वॉज वाइटल फॉर आस टू रियलाइज ऑल दिंग्स अबाउट नैम दट वी है प्रीवियस टू लेक्चर सो अब हम चलेंगे टूडे टसेसिंग नैम नैम को असेस करने के लिए हम देखेंगे कि मुख्तलिफ सतहों पर जब वर्ल्ड क्राइसिस हुए तो नैम का क्या रोल था उन ग्लोबल क्राइसिस के अंदर और हम चंद इश्यूज को उसमें आइडेंटिफाई करेंगे जहाँ पर नैम जो था वहाँ इतना अफेक्टिव रोल नहीं परफॉर्म कर सका दूसरी तरफ हम देखेंगे कि वो लोग जिन्होंने क्रिटिसाइज़ किया है नैम को वो किस बेसिस पे नैम को क्रिटिसाइज करते रहे सो तो इस तरह की जो चीज़ें हैं इनको हम देखते हुए वी विल बी एबल टू असेस

काउंटर आर्ग्यूमेंट भी होती है तो मैं ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द लेक्चर मैं आपको जब क्रिटिक दूंगा तो आई विल ट्राई टू प्ले दिव ट्राई टू शो यू इन अदर साइड आल्सो क्योंकि ये आई मीन अनफॉर्चुनेटली जिस तरह की जब सोशल साइंसेस की आप बात कर रहे हो तो कट एंड ड्राई बात नहीं होती दे आर ऑलवेज काउंटर व्यूज قسم کے نظریات ہوتے ہیں ریگارڈنگ द سیم سچویشن سو وی विल ट्राई एंड हैव दैट काइंड ऑफ ए डिवर्स अप्रोच मतलब हम डिफरेंट व्यूज को देखते हुए आ, कोशिश करेंगे कि जब हम अपनी असेसमेंट कर रहे हो मैम की तो वी ट्राई एंड इनकोपरेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्यूज एंड दैट विल अलावास टू हैव अ सॉलिड असेसमेंट नॉट एन असेसमेंट व्हिच इज बायस्ड जो सिर्फ एक ही नजरिए के ऊपर बेस्ड होएगी उस तरह की हम असेसमेंट नहीं करना चाहते बिकॉज उस तरह की असेसमेंट yes. को All someone has to do is say, I don't agree with your assessment. But if you have many reasons built uh, in, then it is hard for other people to refute what you are saying. Because your assessment is based on different views, and your conclusions are based on different types of reasons. So that Allows you to make a more informed and a more intelligent assessment, and it is important when you're talking about something like international relations or a movement in international relations. In this case, NAM, to have that kind of a solid, broad-based uh, assessment, building on the views of many people. ka agar aap apni argument ko build to aapki argument mein सो नाव वी विल ट्राई एन अटेम्प्टू डू दैट टू असेस नैम फ्रॉम वेरियस व्यू पॉइंट अब यह करने के लिए सबसे पहले हम एक जरा लार्जर पिक्चर को देखते हैं वह लार्जर पिक्चर है नैम का रोल इंटरनेशनल रिलेशंस में कि हम ओवरऑल अब जाहिर है इंटरनेशनल रिलेशन नाव वी नो इज नॉट अ सिंपल थिंग मतलब इट इन्वॉल्व इकनॉमिक्स पॉलिटिक्स सोशो कल्चरल इशूज बहुत किस्म के इश्यूज, नजरियात जो हैं वो आई में हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट द इंटायर ग्लोब पूरी दुनिया की बात हो रही है सो असेसिंग द रोल ऑफ अ पर्टिकुलर मूवमेंट इन इंटरनेशनल रिलेशंस इज कॉम्प्लिकेटेड बिजनेस बट वी विल नाउ ट्राई एंड अटेम्प्ट टू डू दैट नैम हैज नॉट बिन एबल टू लिव अप टू इट्स स्टेटेड गोल्स अब आपको याद होगा हमने शुरू शुरू में हमने एक चंद ऑब्जेक्टिव्स जो थे वो पुट फोर्थ किए थे कि नाम वांटेड टू फाइट एम्पीरियलिज्म इट वांटेड द कंट्रीज ऑफ द साउथ टू बेसिकली गेट टूगेदर एंड एंड रिजिस्ट दिस टेंडेंसी टू बी कोऑप्टेड बाय एन एम्पीरियलिस्ट पार क्योंकि ये जब नाम की मूवमेंट चल रही थी तो तब कोल्ड वॉर का जमाना था और दो बैन अकवामी सुपर पार्स थीं एंड उस माहौल में नैम वॉन्टेड टू टॉक अबाउट पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी एंड टॉक अबाउट पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी इन अ सस्टेनेबल फैशन आपको याद होगा हमने कई सारी टर्म्स डिस्कस की थी उनमें से एक टर्म थी पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी एंड हमने कहा था कि सबसे क्लोजेस्ट मीनिंग अगर हमने नैम की बात करनी हो एंड हमने नॉन uh, अलाइनमेंट की बात करनी हो तो हम ये कह सकते हैं कि पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी की तरफ नैम की मूवमेंट जा रही थी एंड क्योंकि ये मूवमेंट थी तो इसमें सस्टेनेबिलिटी की एलिमेंट थी सस्टेनेबिलिटी की एलिमेंट इस तरह थी कि ये सिर्फ एक या दो एपिसोड्स के लिए न्यूट्रलिटी की कोशिश नहीं थी बट इट वांटेड इन द लॉन्ग रन के जो गरीब या सपोजिडली वीकर ममालिक हैं वो एक उनको सुपर पार जो है उनके पूरे ख़्यालत को और उनकी नेशनल इंटरेस्ट को हाईजैक ना कर ले टू बेसिकली वन कैंप बी एड यू नो बी एट दैपिटलिस्टिक वेस्टर्न कैंप और द कम्युनिस्टिक दू कैंप्स विद इन द कोल्ड वॉर एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस द कोल्ड वॉर वेरी सुन तो आपको और भी अंदाजा हो जाएगा कि जब हम कोल्ड वॉर में दो कैंप्स की बात करते हैं तो वट दैट एक्चुअली मीन्स बट अगर आप लार्जर सेंस में इंटरनेशनल रिलेशंस के सेंस में अगर नाम के स्टेटेड ऑब्जेक्टिव्स को देखें गोल्स को देखें तो यू रियलाइज दैट बाय एन लॉर्ज नाम हैज़ नॉट बीन एबल टू अचीव दो एंड आई मीन दैट इज दैट दैट इज अ गिवन फैक्ट ऑफ हिस्ट्री अब नाम को फॉर्म हुए हुए काफ़ी डेकेड हो गई हैं लॉट ऑफ कंट्रीज है नैम के जो uh, मकासद हैं वो अभी तक हमें अगर हम दुनिया का एक परूजल करें एक जायजा लें तो वी सी के ऑब्वियसली नाम के जो ऑब्जेक्टिव थे वो नैम अभी तक हासिल नहीं कर कर सका सो आई मीन वेन वी ट्राई टू असेस नैम हमें इस चीज का इतराफ करना पड़ेगा नाम प्लेड लिमिटेड रोल इन सपोर्टिंग ओपेक प्राइस राइज द फॉर्मेशन ऑफ यू एन

और ये इदारा डिसाइड करता है कि जी ऑयल की प्राइस क्या होएगी एंड ऑयल की प्राइस जो है अगर ज़्यादा हाइक हो जाए तो पूरी दुनिया की इकानमी में जलजला आ जाता है एंड नाइनटीन में ये हुआ कि द ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनीज एंड द कंट्रीज दैट वर प्रोड्यूसिंग द ऑयल डिसाइडेड के दे व ग प्राइस ऑफ द ऑयल एंड जब यह हुआ तो पूरी दुनिया की इकॉनोमी जो है उसमें शॉक वेव आई

इट्स अनफॉर्चुनेट बट जब ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनीज एंड कंट्रीज ऑन द वन हैंड आई मीन दे डिसाइडिड कि उनको uh, उनके खाइर का जो है वह फ़ायदा नहीं मिल रहा मगर उन्होंने जब uh, तेल की प्राइस को बढ़ाया तो ये एक सिग्नीफिकेंट स्टेप तो था मगर इसके साथ साथ गरीब ममालिक जो हैं उस उन ममालिक को भी इसका खासा धचका पहुंचा सिर्फ अमीर ममालिक को धचका नहीं पहुंचा मगर गरीब ममालिक को भी पहुंचा अब यह तो हो गई ओपेक की स्टोरी बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज ओपेक ने जब ये आ, अपनी प्राइसेस को इंक्रीज करने का फैसला किया इसमें नैम का कोई गहरा हाथ नजर नहीं आता सो so, अगर हम असेस करने की कोशिश करें कि जी इंटरनेशनल रिलेशंस में क्या नैम ने रोल परफॉर्म किया है तो वी रियलाइज एक बड़ा जबरदस्त किस्म का इवेंट हुआ था ओपेक की प्राइस राइज का उसके अंदर या ओपेक की फॉर्मेशन के अंदर नैम का कोई हमें खास हाथ नज़र नहीं आता इसी तरह एक और बड़ा इम्पॉर्टेंट बैन अवी इदारा है यूएन का जो ट्रेड और डिवेलपमेंट के लिए फॉर्म हुआ है ये भी जो इदारा है ये भी बेसिकली फॉर्म हुआ है टू करेक्ट द ट्रेड इम्बेलेंसेज इन द गलोब आपको याद होगा कि हमने बात की थी कि एक डिमांड थी कि बेसिकली जो गरीब ममालिक हैं उनकी जो कमोडिटीज़ हैं उसके पैसे बैन अवी मार्केट में सही नहीं मिलते तो ये जब यू एन का इदारा फॉम हुआ है तो नैम के पास परफेक्ट मौका था कि वो प्राइस जो है उसको नगोश करने में प्रेशर अप्लाई करे और यू एन के इस इदारे की मदद करे वहाँ पर भी ये जो नैम ने ये मौका जो है ये लूज आउट कर दिया उस मौके पर कोई ख़ास रोल नैम का वहाँ पर नज़र नहीं आता इसी तरह फिर जो ग्रुप ऑफ सेवनटी सेवन है ये बेसिकली सतर सत, ममालिका एक और एक किस्म की ग्रुपिंग बनी थी ये भी गरीब डिवेलपिंग न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज की ग्रुपिंग थी इसकी फॉर्मेशन में भी नैम डिड नाट प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल ऑल्सो अब आपने ये आपको याद होगी टर्म एन की द न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर ये न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर जो है ये भी व, आ, एक इंटरनेशनल ऑर्डर इस तरह का इकोनॉमिक ऑर्डर बनाने की कोशिश थी कि दुनिया में जो हैव्स इन हैव नॉट्स का जो डिवाइड है उसको कम किया जाए ये भी नैम के लिए एक अच्छा मौका था टू ट्राई इन ज्वाइन फोर्सेज बट नैम डिड नाट play a very significant role here also. So now you can see uh, from you know, this entire statement ki, basically NAM ko dunyame or events hwehe or groups form hai, which had similar goals and objectives as NAM, but NAM did not uh, really help uh, or coordinate its efforts with these similar organizations. इफ़ नैम हैड डन सो मे बी टूडे वी वुड है वर्ल्ड वेयर सम ऑफ द ऑब्जेक्टिव दैट नैम हेल्ड वो हमें दुनिया में वाकई हमें नजर आता कि जी वो ऑब्जेक्टिव जो हैं या गोल्स जो हैं वो अचीव हो गए बट नैम लॉस्ट आउट ऑन अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज क्योंकि नैम की वो प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं थी उसमें इतनी कोऑर्डिनेशन नहीं थी इट डिड नॉट कोऑपरेट

And because of these tensions, NAM did not uh, really reach out and try and form partnerships. If it had formed partnerships, maybe its voice would have grown stronger internationally and NAM could have played a more significant role in international relations. NAM has grown in size and can potentially be very influential, but it has been unable to fulfill its lofty objectives and thus. स्टैंड डिसक्रेडिटेड अब नैम की मीटिंग्स तो आपको याद है कि रिसेंटली uh, तक दो साल पहले तीन साल पहले हर चंद सालों के बाद जो है मीटिंग्स कॉन्स्टेंटली नैम की हो रही हैं बट अनफॉर्चुनेटली ना नैम आई मीन एंड इट स्टिल हैज नो ओवर हंड्रेड कंट्रीज पार्टिसिपेटिंग बट कोई दुनिया में आपको कोई सिग्निफिकेंट हलचल नहीं नज़र आती जब नैम की मीटिंग होती है आप अखबार खोल कर देखें अब समाइम इन द फ्यूचर अब नैम की नेक्स्ट मीटिंग होगी तो इट नाउ इट इज़ ऑलमोस्ट स्मॉल पैराग्राफ ऑन यू नो द बैक पेज ऑफ द न्यूज़ पेपर इतनी कवरेज भी नहीं मिलती है नैम को क्योंकि नैम का जो इदारा है वो दुनिया के मेजर इशूज़ के अंदर उसका कोई ख़ास हाथ नज़र नहीं आया उसकी वजह से ये कहा जाता है तजिया नगार जो हैं वो कहते हैं कि जी नैम की मूवमेंट जो है वो, वो डिसक्रेडिट हो गई है उसके गोल्स वगैरह तो बड़े हाई एंड आइडियलिस्टिक एंड लॉफ्टी गोल्स थे मगर उन गोल्स को रियलाइज़ नहीं कर सका नैम एंड इसकी वजह से नैम जो है वो इतना इंफ्लुनशल इदारा नहीं है वर्ल्ड पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशन के लिहाज से येट द नीड

तो अगर हम दूसरी साइड को देखें और नैम की कोशिश को देखें जिन लोगों ने नैम को वर्ल्ड uh, स्टेज पर लाने की कोशिश की अगर हम उनको देखें तो वी रियलाइज कि जी नैम की जो uh, के जो आइडियाज़ थे देवर नॉट बैड आइडियाज देवर इन फैक्ट इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग ब्लेंड बिटवीन आइडियलिज्म एंड प्रैक्टिकलिज्म आइडियलिज्म एंड रियलिज़म दुनिया के मौजूदा हालात को देखते हुए और एक होप और एक जज्बे को सामने रखते हुए नैम को बनाया गया था नैम के हमने ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को भी देखा था कि वाकई ही दॉ मेड मतलब ये नहीं कि कोशिश ही नहीं हुई ख्याली लीडर नो इट वॉज आई मीन लॉट ऑफ लीडर्स केम टुगेदर एंड द मूवमेंट ग्रो फ्रॉम अ फ्यू डू ओवर अंड्रेड कंट्रीज एंड अगर हम आजकल के दौर को आजकल की दुनिया को भी देखें और जो एक किस्म की टेंशन और डिविजन बनी हुई है बिटवीन द नॉर्दर्न कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड एंड द साधर्न कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड तो जो गरीब और अमीर की जो एक किस्म की जियोग्राफिकल डिवाइड हमने इसको पहले भी डिस्क्राइब किया था कि लिटरली जियोग्राफिकल डिवाइड नहीं है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया इज वे डाउन साउथ एंड ऑस्ट्रेलिया इज अ रिच कंट्री बट बाय एंड लॉज अलॉर्डर द यूरोपियन एंड नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज आर रिच एंड

को अगर हम सामने रखें तो वी रियलाइज की दुनिया में उस डिवाइड की वजह से टेंशन है देर इज अ टेंशन सेंस ऑफ सस्पेशन अ सेंस ऑफ डिविजन इन दर्ल्ड एंड नैम प्रोवाइड अ प्रैक्टिकल मीन्स टू ब्रिज दैट डिविजन टू ब्रिज द डिवाइड सो हम ये भी नहीं कह सकते कि जी डिसडिटेड हो गया नैम ने कुछ किया नहीं और ये कुछ कर ही नहीं सकता इसका मतलब है कि नैम जैसा आइडिया फ्लोट ही नहीं कर सकता That's maybe not true. The fact of the matter is that NAM, I mean, the, particularly people who uh, still attend NAM meetings and still consider it to be an important platform, argue that there are many things that NAM ki constantly meetings. Mein aate NAM has at least had the vision to identify uh, serious problems of the world. It has spoken about Kashmir, it has spoken about the palestinian issue, it has not taken sides during two decades and more, three decades and more of the cold war. so ki jo movement, hai, uske andar wazan hai. nam lost out on some opportunities. nam lost out on the opportunity of collaborating and forming partnerships with other uh, global efforts. and perhaps if it can do so in the future, मे बी नैम कैन बिकम अ मोट इन्फ्लुएंशल एक्टर ऑन द वर्ल्ड स्टेज अब ये हमने क्विक का जायजा किया है ऑफ द होल आइडिया ऑफ नैम विज अवी इंटरनेशनल रिलेशन अब हम जरा थोड़ा सा नैम की तनकीद की के ऊपर चलते हैं स्पेसिफिकली के क्या वो रीजन है जिसकी वजह से नैम की दुनिया में तनकीद की गई है उसको क्रिटिसाइज किया गया है और उसको आ, क्या इश्यूज थे जिस, जिनको मिस मिसहेंडल नाम ने किया या एडिकुटली एड्रेस नहीं किया जिसकी वजह से उसको क्रिटिसाइज किया गया नाम हैज फेल्ड टू हेल्प प्रमोट पीस एंड मैनी ऑफ इट्स मेंबर्स हैव बीन इन्वॉल्व इन ब्लडी इंटरनल एंड एक्सटर्नल वायलेंस अब ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और वाकई ही हमें इस चीज़ का इतराफ़ करना पड़ेगा कि अगर आप नैम को देखें और नैम की मेंबर स्टेट्स को देखें तो नैम तो अमन और चैन की बात एक तरफ ये अदारा करता है मगर इसी मूवमेंट के जो मेंबरान हैं अगर आप उन मेंबरान को देखें तो वो कंट्रीज़ जो हैं उनका इंटरनली और एक्सटर्नली उनका जो दुनिया में रवैया रहा है वो ख़ुद इतना ब्लडी रहा है So, I mean, then how can we talk about the movement, you know, working for peace? When its members they have been waging wars with other countries. They have been waging extreme uh, forms of violence within their own countries. of Cambodia, is in Southeast Asia. There was a very dark and bloody period tha in the history of this country when killing fields was labelled countless number of people were put down. It's the state became very repressive and it just basically gunned down thousands and thousands and thousands and thousands of people thinking that they were opponents and it wanted to wipe out the opposition and uh, strengthen its regime. It's a complicated story. Cambodia may jo masla hua bada pechida masla hai aur hebat masla but the fact of the matter is that Cambodia was a member state of NAM, and being a member state of NAM, were EsSI, harkat Cambodia, Nah, and Nam was to, at the same time, NAM was talking about peace and prosperity in the world. Also, if you take the case of Iran and Iraq, here were these two Muslim countries fighting for you know, a, a very extended period and uh, having uh, suffered massive casualties. बहुत दीज कंट्रीज मेंबाउट इट नैम हैज बिन अनएबल टू बेर ऑन द लिंगरिंग डिस्प्यूट लाइक द मिडल ईस्ट कश्मीर एंड साइप्रस अब नैम की जो मूवमेंट है वो दुनिया के जो लिंगरिंग बिटर डिस्प्यूट हैं जो एक दो सालों से नहीं मगर कई सालों से चले आ रहे हैं उनकी वजह से मिलिट्री एस्कलेशन हैं टेंशन्स हैं डिफेंस एक्सपेंडिचर्स ओवर हैं और वायलेंस uh, uh, होता रहा है उनके बारे में भी नाम कुछ नहीं कर सका मिसाल के तौर पर कश्मीर का मसला मिसाल के तौर पर साइप्रस का मसला जो मेडिटेरेनियन रीजन में uh, uh, एक बहुत बड़ी टेंशन का बायस है एक तरफ टर्की है दूसरी तरफ ग्रीस है एंड द प्रॉब ऑफ साइप्रसप्रस इज कॉट इन द मिडल आई मीन इट इट डजेंट नो वट टू डू एन ये एक, एक बड़ा सीरियस इशू है साइप्रस का भी इसी तरह मिडल ईस्ट में जो फलस्तीन का मसला है और इसराइल के साथ आ, अरब ममालिक टेंशन है इस मसले में भी इसका इतराफ किया गया है नैम के अंदर बट नैम ने इस मसले को हल करने के लिए कोई ख़ास एक्शन नहीं लिया सो हेयर यू गो आई मीन दीज आर सम ऑफ द मेजर इशूज़ Because of which NAM can be criticized, there is also a dichotomy between what NAM leaders preach and practice. Often, they have adopted stances in the UN at variance with consensus developed in NAM. Nam criticized NAM वो इसलिए किया जाता है कि नाम की जो मेंबर कंट्रीज हैं हमने जिस तरह बात की है कि नाम की कंट्रीज़ का बिहेवियर इस कंट्री टू द गोल्स एंड एस्पिरेशंस ऑफ नाम इसी तरह जो लीडर्स नाम के अंदर शामिल हैं जो कंट्रीज़ के लीडर्स नाम के अंदर शामिल हैं अगर उनका मुख्तफ टाइम्स इन हिस्ट्री में बिहेवियर देखा जाए तो उनके बिहेवियर में भी तजाद नज़र आता है एक किस्म की कंट्रोडिक्शन नज़र आती है और अक्सर ये हुआ है कि नाम के अंदर कोई बात हुई है और जब फिर यूएन जैसी एक और प्लेटफॉर्म पे वो मुल्क गए हैं तो उनका रवैया जो है वो बदल गया एंड नाम के अंदर अगर एक कंसेंसस डिसीजन हुई है तो वो जो कंसेंसस डिसीजन है उससे ममालिक जो हैं वो हट गए यू कैन इमेजिन इस तरह की कॉन्ट्रोडिक्शन की वजह से पूरी मूवमेंट जो है वो उसको फिर लेबल किया जा सकता है कि जी दिस इंटायर मूवमेंट स्टैंड डिसक्रेडिटेड जहां पर मेम्बर्स ही जो हैं वो कंसेंसिस एक बार अग्रीमेंट करके फैसला करके आपस में मुश्तरका फैसला करके उस फैसले से ही अगर हट जाए तो फिर मूवमेंट में क्या जान होगी सो दिस इज एन अदर लार्जर रीजन रिगार्डिंग दोर्ट ऑफ द वीकनेस ऑफ नैम एंड कॉन्ट्रोडिक्शन दैट है रीजन वाई नैम हैज नॉट बिन एबल टू बी दैट इफेक्टिव सो हमने अब ये थोड़ी सी तनकीद की है नैम की अब हम जरा फोकस को लेकर आते हैं अपने मुल्क के ऊपर पाकिस्तान के ऊपर और अब हम देखेंगे कि जी नैम और पाकिस्तान का क्या इंटरक्शन रहा है

Pakistan could not join NAM due to its membership in CENTO and CETO. Now, it is was that Pakistan's history and foreign policy so soon, initially in our foreign policy, we strongly leaned towards the US. And I mean, that there they could have been uh, you know, a lot of reasons for this, but it was a policy decision made by the state at a particular juncture in our history, a few years down the road from independence, to side with the West. And once we sided with the West, we joined these regional groupings that were basically putting us in the camp of the US and opposed to the camp of the Soviets. So these security arrangements were there, these uh, basically hame फमली साउथ एशिया के साउथ uh, uh, एक किस्म की ट्रीटी टी अलाइंसिस थी ये सीटो एंड सेंटो जो हैं जिस तरह नेटो है हमने आपको आई डोंट थिंक हमने भी इतनी बात की है नेटो की आगे जाकर बात करेंगे मगर जब सुपर पार्ज में जब डिवीज़न हुई है तो दो बड़े मुदे बने थे एक मॉदा बना था वॉरसो पैक्ट जिसका हम जिक्र आगे जाकर करेंगे और दूसरी तरफ एक अदारा बना था नेटो द तो नॉर्थ

एंड इसी तरह कॉम्युनिस्ट ने वार्स ऑफ एक्ट बनाया था अब जब नेटो बना था तो उसके साथ साथ बाकी रीजन्स में जहाँ पर यूएस की इन्फ्लुएंस थी वहां पर और किस्म की ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशंस बनी थी और सीटो एंड सेंटो जो हैं वो उसका हिस्सा हैं और इन इस एशिया के के रीजन में पाकिस्तान जो था पाकिस्तान जॉइंड दीज अलायंसिस एंड बिकॉज पाकिस्तान ज्वाइंट दीज अलायंसिस इट वॉज देन नॉट अ मेम्बर ऑफ nam when nam was formed it did not play a significant role in the formation of nam you can nam was all about neutrality nam was all about non-alignment so pakistan clearly a camp the uh, cold war so then it was not a member of nam by the 1970s pakistan realized the need for a broader approach to ir than seeking support of the U.S., it withdrew from sento in 1972. Our 1972, of Bahadur till Benazir par Pakistan ko itna tajrba bhi hoga tha. Ab Pakistan ko bane hue 20-25 saal honge the, and Pakistan realized that Benazir Akwami sata par the situation is more complicated. I mean, you could uh, think of a strategic. इंटरेस्ट विज अना चाइना वॉज क्लियरली अम्युनिस्ट कंट्री इट वॉज इनिशली सोवियत यूनियन बट आफ्टर फ्यू इयर्स द सोवियत एंड द चाइनीज फेल अ पार्ट दे वोथ कम्युनिस्ट बट दे फेल अ पार्ट उनके उनके अंदर डिवाइड आ गया था उनकी पार्टनरशिप में मगर पाकिस्तान का तो हमसाया मुल्क है चीन और चीन के साथ पाकिस्तान की दोस्ती है सो पाकिस्तान के लिए भी सिचुएशन कॉम्प्लिकेट हो गई थी इट कुड नॉट जस्ट लीन सिंगुलरली टूवर्ड दू एस ऑल द टाइम एंड देल्सो डोमेस्टिक रीजनस आई मीन पाकिस्तान इंटरनेशनल रिलेशन अब दुनिया में इतनी कॉम्प्लिकेटेड किस्म की अलायसेज हैं काउंटर अलायसेज हैं एंड पाकिस्तान फेल्ट दट पैप्स Uh, it would be better to not get so jumbled up in the situation. So basically, by 1972, Pakistan decided to get out of the CENTO agreement. So, yeah, it took some time. Like I said earlier, it took uh, uh, some, you know, uh, wars with India. It had taken, you know, about 20-25 years, but. Gradually, the realization dawned upon Pakistan that given the emerging world scenario and the complicated world scenario, this black and white ki jo alliance is Pakistan, and afford not going to be able to afford any of its So, China, like we realize, is an important country for Pakistan, and also Pakistan realized the value of these. International types of organizations which had very uh, uh, important objectives as far as a country like Pakistan was concerned, because the objectives they basically appealed to, to the heart of the Pakistani state because of the circumstances and the situation facing the country. I mean, the country had uh, a lot of poverty, the country uh, also wanted to try and progress it also wanted better terms of trade and all these objectives were found in nam but N nam ko join karne liye chand conditionalities thi or con conditionalities thi, wo initially pakistan nahi meet kar sakta tha, pakistan had decided to uh, uh, explicitly uh, give its support to the us बट 1972 में ये सिचुएशन जो है ये बदलनी शुरू हो गई थी और इसका एक इंडिकेटर यही है कि पाकिस्तान ने सेंटो से की मेंबरशिप से अपने आप को विड्रॉ कर लिया था सो सेंटो की जब बात ख़त्म हो गई तो पाकिस्तान वाज इन अ बेटर सिचुएशन टू नाओ एंड नाउ आई मीन वील सी दैट आई मीन दैट डिट है इमिजिएटली एंड देर वीजन फॉर दैट but essentially the realization had dawned upon the pakistani state that it is now time to basically think of other alliances and to think of international relations as a more complicated uh, and a more intriguing type of a situation where it pays to have uh, the voice of uh, a pakistani state joined with the voices of a lot of other developing countries uh, facing similar problems. Having a similar ground reality, so this realization was thi, very important. Thi. India opposed Pakistan's membership in NAM since Pakistan had done the same to India seeking entry into OIC. Now, the problem was that when this realization dawned and Pakistan felt that there was value hai in these types of alliances. जो सारे गरीब ममालिक आपस में मिलकर अपनी बैन अवी सतह पर आवाज़ को बुलंद करना चाहते हैं एंड पाकिस्तानी स्टेट ने भी ये इस बात का इतराफ़ किया और इंटरेस्ट शो की नाम के अंदर तो इमीजटली इंडिया अब आप, इंडिया आपको याद होगा इंडिया वाज वन ऑफ द फाउंडिंग स्पेयर हेडिंग कंट्रीज़ बिहड द फॉर्मेशन ऑफ नैम सो नैम के अंदर इंडिया की आवाज़ kaafi strong and India immediately opposed Pakistan's membership. Ab wo ke, I mean, unfortunately India and, and Pakistan for a large part of our uh, history since uh, the partition of the subcontinent, we have been at odds with each other and uh, wo a tit for tat type response thi, India said ke joined OIC join पाकिस्तान ने इंडिया को अपोज किया था एंड इंडिया एस को जॉइन करना चाहता था बिकॉज इट हैड अ सिग्निफिकेंट माइनॉरिटी इंडिया के लिहाज से तो वो माइनॉरिटी थी मगर पॉपुलेशन वाइज आई मीन वी आर टॉकिंग अबाउट यू नो अ साइजेबल नंबर ऑफ़ पीपल वेल ओवर हंड्रेड मिलियन पीपल सो अगर हम हंड्रेड फिफ्टी मिलियन राधा लोगों की बात कर रहे हैं तो दैट इज़ अ लॉड ऑफ पीपल एंड इंडिया में एक मेजर uh, अकलियत जो है वो मुसलमानों की थी इवन आफ्टर द पार्टिशन ऑफ द सब कॉन्टिनेंट इवन आफ्टर ऑल द मुसलिम हैड माइग्रेटेड टू द न्यू कंट्री ऑफ पाकिस्तान इंडिया में बहुत से मुसलमान थे एंड इंडिया उस बेसिस पे चाहता था कि ये जो ओआईसी का जो इदारा है जो इस्लामिक ममालिक काारा है उसके अंदर मेम्बरशिप इंडिया को मिल जाए मगर पाकिस्तान ने वहाँ पर इंडिया को अपोज़ किया था so now india found a good excuse and, uh, to pay back pakistan and it did so by opposing pakistan's desire to enter into nam. so, ye ek obvious factor that uh, pakistan ne jab interest show bhi ki, to nam, ke under uh, opposition thi and that delayed pakistan's entry into nam. when sento winded up, in 1979, Pakistan became a regular member of NAM in the Havana Summit and had been attending all subsequent summits. Uh, finally, 79 1979, the CENTO was जो है uh, वो Pakistan उसके Sebi से membership को dissolve kar chuka tha. So these जो uh, uh, ki uh, treaties thi, Pakistan जिनके involved in the Cold War की वजह से फॉर्म हुई थी उन दोनों ट्रीटीज़ में से पाकिस्तान जब निकल चुका था सेवेंटी नाइन के अंदर तो फिर एक मौका था एंड बेसिकली पाकिस्तान बाई दिस टाइम हैड बिन डूइंगसटेंट लॉबियंग इन शोइंगट्रेस्ट इन नैम एंड फाइनली इन क्यूबा क्यूबा के मुल्क में हवाना uh, में जो समिट हुआ था हवाना के शहर में जब समिट हुआ तो वहाँ पर फॉर्मली पाकिस्तान को एंट्री मिल गई नाम के अंदर और उस एंट्री के बाद पाकिस्तान के नुमाइंदे जो हैं वो नाम की मीटिंग्स को अटेंड कर रहे हैं सो थ्रू आउट द नाइनटीन एटीज द नाइनटीन नाइन्टीज एंड रिसेंट ऑफ़ द न्यू सेंचुरी ऑफ द ट्वेंटी सेंचुरी पाकिस्तान नाउ डज अटेंड द कॉन्फ्रेंसिस ऑफ नैम पाकिस्तान Can play an important role in NAM given that it is the only declared Muslim nuclear state in the world and seeks non hegemonic but respectful coexistence in the globalizing world. Abjahatak Pakistan ki baat hai to Pakistan potentially nam important mulk, hai. Wo क्योंकि पाकिस्तान वाद मुल्क है जो एक न्यूक्र न्यूक् न्यूक्र स्टेट है सो so, पाकिस्तान की अहमियत उस लिहाज से खासी ज्यादा है एंड बेसिकली बिकॉज ऑफ दिस फैक्ट एंड बिकॉज ऑफ इट्सबल पापूलेशन बिकॉज ऑफ द पोटेंशल ऑफ द कंट्री पाकिस्तान कैन मेक अल कंट्रीब्यूशन टू नैम एंड अगर नैम के मकासद को देखा जाए तो बाय एंड लार्ज हम जिस तरह बात करते रहें कि अगर हम मुल्क अपने मुल्क के हालात को देखें तो वी हैव अ लॉट इन कॉमन एंड अ लॉट ऑफ द नैम्स ऑब्जेक्टिव्स अपील टू अस एंड दे रिफ्लेक्ट आवर ग्राउंड रियलिटीज एंड अगर आप uh, उसी नीयत से अगर नैम के आइडिया को देखें और पाकिस्तानी स्टेट की एस्परेशन को देखें तो uh, पाकिस्तानी स्टेट अगर नॉन हेज चाहती है और एक ग्लोबलाइजिंग वर्ल्ड के अंदर एक गुड uh, परफॉर्मर बनना चाहती है तो नैम जैसी अलायंस जो है वो उसके लिए भी यूजफुल हो सकती है और नैम के लिए पाकिस्तान भी यूजफुल हो सकता है सो नाउ बीइंग द ओनली मुस्लिम न्यूक्लियर स्टेट एंड स्टेट विद लेस हम्बल एस्पिरेशंस देन हेडमनी विच विच इज अ गुड थिंग दैट पाकिस्तान डज नॉट वॉन्ट टू डामिनेट अदर स्टेट इन द रीजन और एल्स वे इन द वर्ल्ड इट जस्ट वॉन्ट अस्पेक्टफुल पीसफुल को एग्जिस्टेंस बाई अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड रिस्पेक्ट इन पाकिस्तान कैन प्रॉस्पर इन एन इनक्रीजिंगली ग्लोबलाइजिंग वर्ल्ड अगर तो हमारे ये मकाद हैं तो ये मकाद जो हैं ये वही मकाद हैं जो नैम के मकाद हैं नैम बेसिकली वांट्स के मुश्तरक सतह पर जो गरीब ममालिक हैं उनकी आवाज़ को बुलंद करना उनकी वीकनेस को हटाना और उनको दुनिया में एक रिस्पेक्ट रिस्पेक्टफुल प्लेस जो है और रुतबा जो है वो बेसिकली प्रोवाइड करना सो वी हैव कामन गोल्स वी हैव कामन गोल्स विद नैम एंड दिस इज़ नाट ओनली अ गोल फॉर पाकिस्तान दिस इज़ द गोल एंड आस्परेशन एंड होप ऑफ मनी अदर डेवलपिंग कंट्रीज And basically, this is the reason why NAM was formed to form a collective alliance to empower these countries through a common platform so that they can negotiate a better deal for themselves in international relations. And now, here is a platform which provides a, a feasible means for a country like Pakistan to raise its voice collectively with the voices of other developing countries. so instead of being counterproductive, uh, instead of having to depend on one particular state, pakistan, when it goes to nam summits, can talk collectively, can talk as being a part, an important part of the developing world. and isliye ye alliances, jo hai, ye international relations, may is zaruri hain. अब नैम जो है वह बिलखसूस क्योंकि इसकी मेंबरशिप इतनी ज्यादा है वीकनेस दैम के अंदर भी डिविजन आई हैं उनका बड़ा कॉन्ट्रडिक्टी बिहेवियर रहा है नैम के अंदर नैम ने चंद जो चीजें हैं वो हमें प्रूव करके दिखा दी है इट हैज शोन ए पर मतलब है जस्तजू सो so, और यह बैन अवी सियासत में कंटिन्यू जस्तजू जो है वह लाजमी है अगर आप हिस्ट्री को देखें तो वही ममालिक वही आइडियाज़ जो हैं वो वज़न रखते हैं जिन में ये कुत बर्दाश्त हो और जिन में ये सेंस ऑफ कमिटमेंट हो बी नैम की जो खूबी रही है वो ख़ूबी ये रही है कि इट हैज़ बिन एबल टू हैव अ लार्ज मेम्बरशिप ना लार्ज मेम्बरशिप की वजह से ये नुकसान भी हुआ है कि मुख्तल थाट्स जो हैं वो नैम को आ, न, आ, वीकन उन्होंने किया है और कई ममालिक हैं जिन्होंने बहुत गलत हरकतें की हैं नैम का मेबर होते हुए नैम का नाम ख़राब किया है बाय टेरेबल एक्ट्स कमिटेड विद इन द स्टेट जिस तरह के कैम्बोडिया में जो एक पर्टिकुलर पीरियड डार्क पीरियड इन हिस्ट्री आया था जब एक्स्ट्रीम कत्ल वत हुई थी मुल्क के अंदर तो वह एक डार्क पीरियड था बहुत से अफ्रीकन ममालिक हैं जहाँ पर बहुत रिप्रेशन हुई है बहुत ज्यादतियाँ हुई हैं वो भी नाम का हिस्सा रहे हैं मगर यह है कि बैन अवी सतह पर इसी लार्ज मेंबरशिप की वजह से नाम की स्ट्रेंथ है और नाम में पोटेंशियल है कि वो वाकई ही क्योंकि इतनी ज़्यादा कंट्रीज़ को रिप्रेज़ेंट करता है तो अब बेसिकली कोल्ड वॉर तो ख़त्म हो गई है कोल्ड वॉर का आइडिया ख़त्म हो गया है बट नैम जो है वो अभी तक चल रहा है अभी तक मीटिंग्स हो रही हैं नैम की अब बेसिकली अगर हम थोड़ा सा अगर आप याद करने की कोशिश करें कि नैम के ऑब्जेक्टिव्स क्या थे ये पुराने लेक्चर्स हैं कि हमने शुरू शुरू में बात की थी कि जी क्या वो रीजंस हैं क्या बैकग्राउंड है जो, जिसकी वजह से नैम जो है वो बेसिकली फॉर्मुलेट हुआ था नाउ लेट्स ट्राई एंड सी दो रीजन बिकॉज इन दो रीजन लाइज द रीजन फॉर द कंटिन्यूड इंपॉर्टेंस ऑफ नैम एंड फॉर द कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस ऑफ नैम अब जो एक दो तो जो मेजर रीजन थे जिनकी वजह से नैम फॉर्म हुआ था वो रीजन आज भी आपको दुनिया में नजर आएंगे और इसके साथ साथ मैं ये भी कह सकता हूँ कि चंद रीज़न्म फॉर्म हुआ था वो रीजन ख़त्म भी हो गए हैं अब वो क्या रीजन् जिनकी वजह से नैम फॉर्म हुआ था वो हैं जी दिस डिवाइड बिटवीन द नॉर्थ एंड द साउथ वो हैं द रीज़ंज ऑफ यू नो वांटिंग टू स्टैंड अप अगेंस्ट इम्पीरियलिज्म वो हैं रीजन्फ़ ट्राइंग टू करेक्ट ट्रेड इम्बेलेंसेज सो ये सारे रीजन्स तो अभी तक हैं एंड मैं अभी आपको मिसाल देता हूँ एंड आपको अगेन आपको एक और एंगल से एक्सप्लन करने की कोशिश करूंगा कि ये रीज़न्स क्यों हैं अभी तक मगर जो मैंने दूसरी बात की है कि बेसिकली चंद ऐसे रीजनस जिनकी वजह से नाम बना था वो अब ख़त्म हो गए हैं दुनिया के हालात वो नहीं रहे वो है आइडिया ऑफ कोल्ड वॉर अब कोल्ड वॉर जब दुनिया जो थी जिसकी तकसीम हुई हुई थी बिटवीन टू अपोजिट कैंप्स वो हालात नहीं रहे क्योंकि बेसिकली सोवियत यूनियन का जो कैंप है वो डिसमेंटल हो गया विद द ब्रेकअप ऑफ द सोवियत रिपब्लिक सो वो जो सिचुएशन थी जहां पर नैम एक मूवमेंट बन गई थी कि जी हमने ना इस कैंप में जाना है ना उस कैंप में जाना है वो दूसरा कैंप ही नहीं रहा सो so, बेसिकली अब बैन अवी सतह पर हालात जो हैं वो चेंज भी हुए हैं और इन वन सेंस हालात जो मसले थे जिन, जिनको फिर नाम ने टेकअप किया वो अनफॉर्चुनेटली मसले अभी भी हमारे साथ हैं इसलिए नाम की इम्पोर्टेंस है इन बदले हुए हालात में भी नाम जो है वो पोटेंशियल रखता है कि वो अभी भी एक इम्पॉर्टेंट रोल दुनिया में प्ले करे बिकॉज देर इज स्टिल प्लेटी ऑफ स्टाफ लेफ्ट इन द वर्ल्ड फॉर नैम टू ट्राई इन अड्रेस प्लेंटी ऑफ कंसर्न इन दर्ल्ड विच नैम कुशली अड्रेस Now, if you look at something like NATO, ab, NATO bhi a kaisa idara tha jo banatha during the Cold War for a particular purpose. Magar rab, Cold War khatamui, NATO kaidara bhi bhi hai. NATO kaidara now plays uh, still a significant role. I mean, now it is, uh, for example, concerned about the situation in the Middle East and you know uh, it is uh, helping uh, by and large. लैंडिंग असटेंस टू द कोलुशन फोसज जब कोलिशन फोर्स फॉर्म होती हैं यूरोप में मिसाल के तौर पर जो बॉजनिया का मसला हुआ था वहाँ पर नेटो की जो फोर्स हैं देव यूज यू नो जब बॉजनिया में मुसलमानों के ऊपर हर किस्म का जुलम हो रहा था तो वहाँ पर नेटो की इंटरवेंशन थी यू एन ने इंटरवीन नहीं किया था नेटो की फोर्स ने इंटरवीन किया था उस वक्त और अब नेटो का अदारा ये कोल्ड वॉर ख़त्म होने के बाद तक भी एक्टिव रहा है अभी भी एक्टिव है एंड कई मुस्लिम ममालिकाइक टर्की फॉर एग्जाम्पल आई मीन दे हैव बिन ले हाउ देट दमसेल्व नो टी अ पार्ट ऑफ द नेटो अलायंस सो बेसिकली नेटो जैसी अगर अलायंस है तो फिर नैम जैसी जो अलायंस है जो एक बहुत लार्जर अलायंस है जो जेन्यूनली ऐसे इशूज़ को एड्रेस करने की कोशिश कर रही है जो दुनिया में टेंशंस का बास हैं टेंशंस को कॉज करते हैं एग्ज़ाम्पल पावर्टी आई मीन एग्ज़ाम्पल यू नो दिस यूज गैप बिटवीन पीपल हु हैव एवरी थिंग इन पीपल हु हैव नथिंग इसकी वजह से जो रिजेंटमेंट जो टेंशन पैदा होती है इस तरह के इशूज़ को अगर कोई इदारा आ, उनके ऊपर फोकस कर रहा हो और अपना उसको ऑब्जेक्टिव बनाए बैठा हो तो उस इदारे की ऑटोमेटिकली अहमियत ज़रूरत है दुनिया में नाव आई मीन वन केन डिबेट के नैम क्या उसमें इतनी सलाहियत है क्या उसके जो आ, आ, इदारे नैम ने अपने आ, अपने इदारे को डिफ़ाइन करने का तरीका रखा हुआ है कॉन्फ्रेंस का तरीक़ा रखा हुआ है मम्बरान से जो कंट्रीब्यूशन नैम चाहता है वो उसको क्या मिल रही है नहीं मिल रही क्या और मुश्किलात हैं हर्डल्स हैं क्या जो कंट्रीज़ हैं नैम की वो उनके जो बिहेवियर में तज़ाद है उसको किस तरह ओवरकम किया जा सकता है दीज आर ऑल अदर वेरी कॉम्प्लिकेटेड इशूज़ दैट कैन नाट बी आंसर्ड इन यू नो इन इन द स्पेन ऑफ वन लेक्चर आई मीन वी कैन टॉक अबाउट दीज ईशूज़ फॉर फॉर टेन डेक्चर्स सो दीज आर कॉम्प्लिकेटेड इशूज़ आई मीन ये कोई इतनी आसान बात नहीं है मतलब ये मसला जो है अगर हल करने का तरीका इतना वाज होता तो शायद वह अडोप्ट कर लिया गया होता बट वी लिव इन एवर चेंजिंग ग्लोबल इन्वामेंट जहाँ पर हालात बदलते जा रहे हैं जहाँ की uh, uh, जो सिचुएशन है दुनिया की सिचुएशन जो है वो खासी गंभीर है आई मीन वी हैव लिमिट्स टू ग्रोथ माहौलियात की वजह से दे आर लिमिट्स टू ह्यूमन ग्रोथ एंड जिस तरह की ग्रोथ हो रही है वह अन एकवल ग्रोथ है एंड उस अनिकल ग्रोथ को करेक्ट करने के लिए नैम ने चंद सॉलिड तजावीज़ दी हैं लाइक आई सेट बिफो कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की बात है ट्रेड इम्बेलेंस को करेक्ट करने की बात है सो so ये आइडियाज़ जो हैं अगर नैम के वाक़ ही if in me jaan dali jaye i mean this could have huge implications on the world i mean this could help the world be a much better place and provide human beings with the actual opportunity and uh, the actual circumstances in which they could improve their lives and lead better lives and be able to enjoy life so ये अब आप जब हम इस तरह के आइडियाज की बात कर रहे हैं तो आप इसकी नौीयत को इसकी एस्पिरेशंस के साथ रखकर आपको एक मूवमेंट को गेट करना चाहिए सो so, अब नाउ वी कमिंग बैक यू नो टू दिस आइडिया ऑफ हाउ वी आर सेसिंग समथिंग लाइक नैम इन दिस वेरी ब्रॉड एंड फ्लुड सिचुएशन कॉल्ड इंटरनेशनल रिलेशन सो अब इतनी ज्यादा जहां गंभीर किस्म की कॉम्पलिकेशन हों डिफरेंट कंट्रीज की इंटरेस्ट हों एक बैन अवी सतह पर बड़े मसाइल हों जो अपेरेंटली शायद किसी की भी फॉल्ट नहीं है बिकॉज वन केन नाट स्पेसिफिकली से जी ये जो गुरबत है ये इसलिए होती है आई मीन येस देइडियाज एम्पीरियल एंड कलोनियलज्म बट उस उनके उनके भी फिर काउंटर आर्ग्यूमेंट्स हैं आई मीन सम पीपल आग्यू के जी जिसके पास भी पार होती है वो उसकी इम्पीरियलिस्टिक एम्बिशन तो दुनिया में हमेशा आ रही है जब एम्पायर्स होते थे तब भी द एम्पर वॉन्टेड मॉर टेरेटरी मॉर टेरेटरी मॉर टेरेटरी अब भी जिनके पास पार है टेक्नोलॉजी है दे वॉन्ट मॉर इन्फ्लुएंस मोर वेल्थ ये तो इंसानी फितरत है सो यू कैन नाट ब्लेम पीपल वॉट यू कैन ट्राई डू इज ट्राई डिवाइस सिस्टम्स एंड प्रोसीजर्स जो ऑटोमेटिकली चेक्स एंड बैलेंसेस रखें इंसानों के ऊपर के सिस्टम ही ऐसा हो कि देर इज मोर इक्वालिटी डिवेलप्ड कंट्रीज इजर अनएम्प्लॉयेंट इट ड मीन दैट दीपल देर आर मोर हार्ड वर्किंग और मोर ऑनस्ट इट बिकॉज दिस्टम इज सच दैट पीपल हैव टू बी मोर हार्ड वर्किंग दे हैव टू बी मोर ऑनस्ट बिकॉज उनके ऊपर चेकस एंड बैलेंसेज हैं वो इलाके वो Uh, मुल्क जहाँ पर हालात ही इतने पतले हैं जहाँ पर आमदनी लोगों की सही नहीं है तो वो कई बार मजबूर हो जाते हैं कि वो लाइन uh, से ब्रेक कर दें सिस्टम से ब्रेक कर दें क्योंकि उनको इतनी पेंटअप फ्रस्ट्रेशन हो जाती है सो यू हैव टू रियलाइज दैट वेन वी आर टॉकिंग अबाउट असेसिंग समथिंग इन दिस सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन वी कैन नाट गेट बेटर वी कैन नॉट बी टू नैरो वी कैन नाट Uh, be too judgmental. In order to be intelligent and to talk about things intelligently, we have to always keep an open mind and pick and see various types of evidence, various points of views, put them all together, and then form our own opinion. And this is what I try to do, and this is what I want you people to be able to do.

फिर लोगों ने इसके बारे में क्या समझा क्या कहा और फिर आप इस नाम की मूवमेंट को असेस कर सकते हैं। सो अब बेसिकली हमने एक इस तरह का बड़ा सा जायजा लिया है एंड आई होप दैट यू हैव इंजॉयड योर एंड यू हैव फाउंड दीज लेक्चर्स यूजफुल एंड They have given you the opportunity to think about movements like Nam and their importance in international relations. And uh, on this note, I will end the lecture for today and hope to see you next time. Okay,